देखो प्यारे बच्चों, आज हम आपको फूड क्रेव्स की राउंड पे एक चैप्टर है उसके बारे में कराएंगे, और उसका कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा आपने वो तैयार करना है। तो फूड क्रेव्स विदाउट फीट हैज बीन रिटन बाय एच जी वेल्स। फूड क्रेव्स विदाउट फीट जो चैप्टर है एच जी वेल्स के द्वारा लिखा गया है। हिमाली ग्रेट राइटर जो है एक महान लेखक था। ही हैज रिटन मैनी स्टोरीज, उसने बहुत सी स्टोरीज लिखी हैं एंड नॉवल्स लिखे हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टोरी है, महत्वपूर्ण कहानी है। इट गिव्स अस ए मैसेज, है हमें संदेश देती है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए साइंटिस्ट, यह कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है वैज्ञानिक की। हिज नेम वाज ग्रिफिन, उसका नाम ग्रिफिन था। वन डे ही डिस्कवर्ड ड्रग्स, एक दिन उसने एक दवाई का आविष्कार किया। दिस ड्रग्स कुड मेक हिम इनविजिबल, यह जो दवाई थी उसको अदृश्य बना सकती थी। ही सेट फायर ऑन हिज लैंडलॉर्ड हाउस, अपने स्वामी का जो घर था उसने उसको आग लगा दी। ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य बन गया। ही कुड सी एवरीबॉडी, वह प्रत्येक व्यक्ति को देख सकता था। बट नोबडी कुड सी हिम, परंतु कोई भी व्यक्ति उसको नहीं देख सकता था। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी थी। ही वॉज विदाउट क्लॉथ, वह बिना कपड़ों के था। ही वेंट इन टू द स्टोर, वह एक स्टोर में गया। ही स्टोल मनी एंड क्लोथ फ्रॉम देयर, वहां से उसने पैसा भी चुराया और कपड़े भी। ही पुलिस वाज कॉल्ड, पुलिस को बुलाया गया। बट ही हिट द कांस्टेबल, परंतु उसने सिपाही की भी जो है पिटाई कर दी। एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और वह वहां से भाग गया। तो यह स्टोरी जो है फूड क्रेव्स विदाउट फीट स्टोरी थी। और कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आए तो ये आपने याद करनी है, एक बार फिर दोबारा देख लेंगे इसको। फूड क्रेव्स विदाउट फीट हैज बीन रिटन बाय एच जी वेल्स के द्वारा लिखा गई है। ही वाज ए ग्रेट राइटर, वह एक महान लेखक था। ही हैज रिटन मैनी स्टोरीज, उसने बहुत सी कहानियां और नॉवेल्स लिखी है। यह एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्टोरी है। इट गिव्स अस ए मैसेज, यह हमें संकेत देती है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के बारे में है। हिज नेम वाज ग्रिफिन, उसका नाम ग्रिफिन था। वन डे ही डिस्कवर्ड ए ड्रग्स, एक दिन उसने एक दवाई के आविष्कार किया। दिस ड्रग्स कुड मेक हिम इनविजिबल, यह जो ड्रग्स थी दवाई उसको अदृश्य बना सकती थी। ही सेट फायर ऑन हिज लैंडलॉर्ड हाउस, उसने अपने स्वामी के घर को आग लगा दी। ही बिकेम इनविजिबल, वह अदृश्य हो गया। ही कुड सी एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति को देख सकता था। बट नोबडी कुड सी हिम, परंतु कोई भी उसको नहीं देख सकता था। बहुत ज्यादा एक वाज वेरी कोल्ड, सर्दी थी। वाज विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों में था। ही वेंट इन टू द स्टोर, वह एक स्टोर में गया। ही स्टोल मनी एंड क्लोथ फ्रॉम देयर, उसने वहां से पैसा और कपड़े चुराए। पुलिस वाज कॉल्ड, पुलिस को बुलाया गया। बट ही हिट द कांस्टेबल, उसने कांस्टेबल की पिटाई कर दी। एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और वह वहां से भाग गया। तो कोई भी ये क्वेश्चन जो है मैंने कंप्लीट किया है इस वीडियो में, इस वीडियो को अपने लाइक शेयर करना है। मानव विकास संगठन हरियाणा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।